मुंबई के पत्रकार जेजे हत्याकांड में छोटा राजन को मकौका कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आइए अपराध जगत की दुनिया के बेताज बादशाह छोटा राजन के बारे में जानते हैं। छोटा राजन का जन्म मुंबई के चेंबूर में 1960 में हुआ था। इसका असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे है। छोटा राजन को बचपन में नाना या सेठ कहकर भी बुलाते थे। चेंबूर की तिलक नगर बस्ती का ये लड़का 10 साल की उम्र में ही टिकट ब्लैक करने लगा था। टिकट बेचते बेचते राजेंद्र सदाशिव राजन नायर गैंग में शामिल हो गया, जिसे अपराध जगत में बड़ा राजन के नाम से भी जाना जाता था। राजेंद्र सदाशिव राजन नायर का दाहिना हाथ माना जाता था, इसलिए लोग इसे छोटा राजन कहने लगे। बड़ा राजन यानी राजेंद्र नायर की मौत के बाद गैंग की पूरी जिम्मेदारी छोटा राजन ने संभाल ली। छोटा राजन को अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम का साथ मिल गया और फिर दोनों ने साथ मिलकर मुंबई में वसूली, तस्करी, हत्या और फिल्में फाइनेंस का काम करने लगे। 1998 में छोटा राजन भारत छोड़कर दुबई चला गया, जहां से दाऊद और छोटा राजन पूरी दुनिया में गैर कानूनी धंधे करने लगे। लेकिन इसी बीच दोनों किसी बात को लेकर अलग हो गए और फिर छोटा राजन को दाऊद के गुर्गों से हत्या का डर सताने लगा। ऑस्ट्रेलिया से बाली जा रहे छोटा राजन को बाली एयरपोर्ट पर ही दबोच लिया गया, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा में विशेष विमान से 6 नवंबर 2015 को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया गया। फिलहाल छोटा राजन फर्जी पासपोर्ट मामले में 19 नवंबर 2015 से तिहाड़ जेल में 7 साल की सजा काट रहा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।